हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी करने वाले हैं प्रमुख फसलों में अग्रणी राज्य। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो भी प्रमुख राज्य कौन से फसल में आ गए हैं वो सारे कुछ हम ट्रिक से याद करेंगे और हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे कौन सा, केवल प्रथम राज्य, ठीक है, जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, सारे कुछ अपडेट है दोस्तों, फिर भी अगर कभी कोई गड़बड़ हो तो दोस्तों इसके लिए सॉरी। अगर ऐसा होगा नहीं, हमने कहेंगे दोस्तों सारा कुछ नया डाटा लिया है कई जगह से चेक करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गेहूं की बात आती है, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है और पंजाब हरियाणा क्रमशः सेकंड और थर्ड में है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक बात और याद रखना होगा, अगर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के रूप में पूछी जाए तो वो पंजाब है दोस्तों, यानी कि एक हेक्टेयर में कितने, यानी उत्पादन में वो दोस्तों पंजाब है, ठीक है। अगर प्रति हेक्टेयर पूछा जाए तो पंजाब है, ऐसे ओवरऑल पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है। ये दोस्तों गेहूं और चावल में आपको याद रखना होगा, गेहूं और चावल में, ठीक है, बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखना होगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश तो बहुत ही लंबे समय से गेहूं चावल में, गेहूं और इस चावल आपके जौ में नंबर एक पर है, तो इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि गेहूं में कौन सा एक। बात आती दोस्तों चावल की, चावल में पश्चिम बंगाल है प्रथम, लेकिन फिर भी हेक्टेयर के रूप में पूछा जाए वो भी है अपना पंजाब, ठीक है। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश सेकेंड में, आंध्र प्रदेश थर्ड में, ये चावल के उत्पादन में, ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम। अब याद करें दोस्तों, अगर याद नहीं होता है आपको, देखिए चावल यानी कि धान चावल, देखिए चावल पहले जब खाना खाया जाता है तो पहले नहीं खाया जाता, पश्चिम यानी पाछे, यानी जब रोटी दाल कुछ भी खाओ तो रोटी खाकर बाद में, यानी बाद का मतलब पाछे, पश्चिम में खाया जाता है क्या चावल, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बात आती है बाजरा की, बाजरा में दोस्तों देखिए गुजरात नंबर एक पर, सेकेंड राजस्थान और थर्ड आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये दोस्तों है किसमें, ये है बाजरे में, याद आपको करवाएं। जैसे देखिए यहाँ पर आता है बाजरा, बोलते ना बजाओ राजा बाजा, राजा राजा नहीं दोस्तों, गुजरात। तो अधिकतर जो बाजा वाजा देखिए शादी ब्याह में बजते हैं भाई, रात में बजते हैं, ठीक है, दिन में नहीं, रात में। तो गुजरात राज और राजस्थान, बजाओ राजस्थान सेकंड और गुजरात, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा, बाजा रात में बोलते हैं और राजा मतलब राजस्थान, राजा का जब ब्याह होता है ब्याह, ठीक है, तो यहाँ से आपका याद आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब दोस्तों आते ही जौ की बात, जौ देखिए ध्यान से देखिएगा, जौ उत्तर प्रदेश से नंबर एक पर, ठीक है, सेकंड और थर्ड में राजस्थान और बिहार, ठीक है, ये आपको याद ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा। जौ दोस्तों उत्तर प्रदेश है, याद कैसे कर सकते हैं, देखिए गेहूं, जैसे गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर एक पर, उसी तरह जौ का मान लीजिए ये भी गेहूं का भाई बहन है, ठीक है, यानी गेहूं का भाई बहन आप समझ लीजिए, बिल्कुल से उसी मौसम में होता है, उसी में काटा जाता है और उसी भांत होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको जौ और गेहूं याद आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती दोस्तों मूंगफली, मूंगफली की बात है, गुजरात नंबर एक पे है, आंध्र प्रदेश सेकेंड और थर्ड में है तमिलनाडु। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए गुजरात हम आपको याद कराते हैं, गुजरात देखिए मूंगफली, मूंगफली दोस्तों आप जानते हैं ये ठंडी में होती है और बहुत ही अच्छी लगती है ठंडी में खाने, लेकिन कब, दिन में कोई बहुत ही कम खाता है, लेकिन शाम को कितना पूरा परिवार बैठा, सब लोग सदस्य बैठे घर के, और फिर बढ़िया मूंगफली गुड़ वगैरह सब खाया जाता है, क्या शाम के नहीं रात में, गुजरात रात में मूंगफली, यानी शाम जैसे सायकाल बोलते हैं ना कि शाम को, तो वहां पर दोस्तों 9-10 बजे जब रात होती है तो यार मूंगफली खाई जाती है, दिन में बहुत ही कम खाते लोग, लेकिन रात में बहुत ही मजा आती है शाम के समय, यानी गुजरात याद आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। बात आती दोस्तों कपास, और देखिए अगर आंध्र प्रदेश को याद करें तो यहाँ याद कर सकते हैं, कि अगर रात होगी तो भाई रात में क्या अंधेरा होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। कपास, कपास में इसमें भी गुजरात है दोस्तों और महाराष्ट्र सेकंड में, थर्ड में मध्य प्रदेश और फोर्थ में पंजाब है। गुजरात को याद कैसे कर सकते हैं, देखिए भाई कपास आता है, कपास की भाई क्या होती है, रुई होती है, ठीक है, कॉटन रुई, और रुई क्या बनती है भाई, रजाई बनती है, ठीक है, रजाई, और रजाई कब ओढ़ी जाती भाई, गुजरात रात में, रात में यूज रजाई का होता भाई, ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगी, कपास की भाई रुई होती है और रुई की रजाई बनती है, रजाई कब यूज होती है, रात में, तो कपास और रात दोनों मैच कर रहे हैं दोस्तों रजाई से, ठीक है, यहाँ से नहीं भूलेंगे आप। अब बात आती है कब, और ये आप महाराष्ट्र को याद कर सकते हैं, लेकिन रजाई कब भाई ओढ़ी जाती है ठंडी, लेकिन ठंडी कब, जो महान ठंडी होती है ना बड़ी, बहुत ज्यादा ठंडी वाली, तब, ठीक है, यहाँ से याद आ जाएगा। बात करते हैं दलहन, दलहन देखिए मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दलहन में आप जानते हैं दोस्तों दाल में मध्य प्रदेश ओवरऑल हमेशा चला आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी याद करने में, और उत्तर प्रदेश सेकंड में है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, दलहन में आपको कभी नहीं भूलेंगे। बात आती है दोस्तों तिलहन, मध्य प्रदेश नंबर एक में, ये भी दलहन और तिलहन में, देखिए दोनों एक जैसे वर्ड, दलहन तिलहन,
मध्य प्रदेश गुजरात है सेकंड और उत्तर प्रदेश थर्ड, इसमें तिलहन में और बिहार। लेकिन अगर स्पेशल सरसों की बात किया जाए दोस्तों, आप सरसों यहाँ लिख लीजिए, अगर सरसों की बात किया जाए तो देखिए सरसों में आपका क्या आ जाएगा, राजस्थान, ठीक है स्पेशल, क्योंकि दोस्तों ये भी क्या है, ये भी है तिलहन है, ठीक है, यानी सरसों, अगर सरसों की बात किया जाए तो राजस्थान नंबर एक पर है, अगर ओवरऑल तिलहन की बात किया जाए तो आपको मध्य प्रदेश है, ठीक है, याद रहेगा। बात आती है दोस्तों गन्ना की, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है जानते हैं दोस्तों, और सेकंड में महाराष्ट्र और थर्ड में तमिलनाडु। लेकिन यहाँ से एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, यदि अगर फैक्ट्री की बात की जाए सबसे ज्यादा गन्ना फैक्ट्री कहाँ है, कौन से स्टेट पे है, तो आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, सेकंड में उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद कर पाएंगे दोस्तों। नहीं, अगर फैक्ट्री गन्ने की फैक्ट्री की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। बात आ दी दोस्तों पटसन यानी कि जूट जिसे बोलते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल नंबर एक पर है, बिहार सेकंड में और थर्ड में असम है, याद रखें कैसे, देखिए पश्चिम बंगाल को पटसन इन जूट भाई बोलते ना, पटसन अगर पटाना होता ना, अगर कोई बगल पश्चिम बंगाल में बगल बगल शब्द आता भाई, बोलते ना कि यार बगल वाली काश पट जाए, ऐसा बोलते दोस्तों, लड़के हो या लड़के दोस्तों, इलेक्ट्रिक होगी, ठीक है, तो यानी लगे यार काश बगल वाली पट जाए, ठीक है, क्योंकि बगल वाली को हम जानते हैं तो बोलते काश काश, ठीक है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक होगी दोस्तों, पटसन पटाओ बगल वाली, ठीक है, सिंपल सा ट्रिक होगी दोस्तों याद करने के लिए। चाय की बात आती, चाय असम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये दोस्तों क्रमशः अग्रणी राज्य हैं, चाय असम को याद कर सकते हैं, कैसे बोलते नहीं कि चाय योर चाय वेरी असम 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 चाय टी, तो ठीक है, यहाँ से आपको जैसे चाय हम पीते बहुत असम मस्त मजा आ गई भाई, असम असम अवेशम असम, सिंपल सा निकल रहा है वर्ड, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों देखिए ज्वार की, इसमें महाराष्ट्र नंबर एक पर है, कर्नाटक सेकंड में, थर्ड में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ शब्द था जोर, बोलते जोर लगाकर हैया, यानी कि जोर लगाओगे किसी काम में तो भाई आप महान बन जाओ, कोई भी काम हो अगर आप उसमें 100% जोर लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माइंड लगा रहे हैं, तो भाई महान तो बनना ही तय है, ठीक है, महान महाराष्ट्र महान बन जाए कब, जब जोर लगाएंगे, ओके, जोर सिंपल सा बिल्कुल ट्रिक है, याद हो गया होगा, अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो आप एक लाइक कर दीजिए अगर अभी तक न किए हो, ठीक है। नारियल देखिए दोस्तों, नारियल केरल नंबर एक पर और तमिलनाडु सेकंड है, याद रखें कैसे, इसको भी हम ट्रिक बताते हैं आपको, जो कोई डायरेक्ट याद हो जाए, कभी कोई इधर उधर सोचने ना पड़े, देखिए नारियल इनकी नारी भाई, केरल करेला, करेला कौन, करेला की सब्जी कौन बनाता, अधिकतर भाई नारी बनाती है, औरतें नारी, सिंपल याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। आगे बात आती है तमिलनाडु, सॉरी तंबाकू, तंबाकू में दोस्तों आंध्र प्रदेश गुजरात और बिहार और उत्तर प्रदेश क्रमशः अग्रणी राज्य हैं। आंध्र प्रदेश को आप याद कर सकते हैं देखिए कैसे, यानी कि तंबाकू भाई, तंबाकू का सेवन हानिकारक आप जानते हैं, इससे क्या सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आंखों में, और आंखों में फर्क पड़ेगा भाई क्या, तो भाई अंधा हो जाएगा, इसलिए तंबाकू सेवन मत करो, तंबाकू सेवन करोगे भाई तब आंखों में फर्क पड़ेगा, कम दिखाई देने लगेगा, तो अंधे हो सकते हो, ठीक है, ये दोस्तों इसका बैड इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आंध्र प्रदेश याद आ जाएगा, और आप क्या गुजर, यानी गुजर गुजर जाओगे भाई अगर ऐसा है तो, मतलब क्या अगर आंखें नहीं हुई तो बिल्कुल गए गुजरे तरीके से लगे भाई, कोई मतलब नहीं रह जाता इस धरती में, मतलब रहने का अगर आंख नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। बात आती है रबड़ की, देखिए रबड़ रबर रबर केरल तमिलनाडु और कर्नाटक, ये दोस्तों अग्रणी राज्य हैं। केरल को याद कैसे करेंगे, देखिए केरल नंबर एक पर है, देखिए दोस्तों रबर रबर बहुत ही मुलायम चीज होती है, उसी तरह केरल भी बहुत ही मुलायम होता है, केरल इन केला, केला से याद कर लेंगे भाई, केला बहुत ही मुलायम होता है और रबर भी बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है, याद रहेगा। बात आती दोस्तों, और मुलायम आदमी जो होते हैं ना सीधे साधे, उनसे मिलने बहुत ही लोग आते हैं भाई, बहुत ही लोग आते हैं, ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं सेकंड में। बात आ दी दोस्तों हल्दी की, हल्दी आंध्र प्रदेश में नंबर एक पर है, और उड़ीसा और तमिलनाडु ये दोस्तों सेकंड और थर्ड है, याद रखें कैसे, देखिए हल्दी भाई, हल्दी क्या, हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक है, पीला हल्दी का रंग होता है भाई, और पीला रंग कौन नहीं फर्क कौन नहीं उसको जान पाएगा, कौन नहीं देख पाएगा रंग को, रंगीन है या नहीं भाई, कौन जो ब्लाइंड होगा, आंध्र प्रदेश अंधा होगा, ट्रिक होगी दोस्तों, तो यहाँ से आपको हल्दी याद आ जाएगी। बात आती है काजू की, केरल और महाराष्ट्र इसमें अग्रणी केरल है काजू में, अब इसको याद करेंगे ऐसे, देखिए सिंपल से बिल्कुल सब बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाते, देखिए काजू का शेप कैसा होता है, ऐसे काजू होता है ना ऐसे, और ऐसे भी केला होता है, ठीक है, यानी के आप देखेंगे काजू को तो दोस्तों ऐसा शेप उसका होता है, कैसे, केला जैसा, यानी केला से करेला, सॉरी केला और काजू दोनों का शेप एक जैसा लगभग होता है, ठीक है, यहाँ से आपको ये याद आ जाएगा। अब बात आती है दोस्तों केसर, केसर जम्मू कश्मीर अग्रणी है, सब मतलब इकलौता एक राज्य ही है दोस्तों केसर के उत्पादन में, जो कि जम्मू कश्मीर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बचपन से हम पढ़े चले आ रहे हैं।
काली मिर्च दोस्तों केरल है, याद कैसे कर सकते हैं देखिए दोस्तों, काली मिर्च बोलते हैं केरल, यानी करेले से याद कर लेंगे भाई, करेला का जब बनती है ना सब्जी या भुंजिया कुछ भी करेला की, तो भाई कैसा हो जाता, काला हो जाता है, इसलिए करेला मतलब करेला केरल, करेला कैसा हो जाता, काला हो जाता है जब ये पक जाता अच्छे से, काली मिर्च काला हो जाता है क्या केला। आई होप दोस्तों ये सारे कुछ आपको पसंद आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसकी साल ले सकते हैं। आप कोई भी आप फसल बोलिए, एटलीस्ट आपको नंबर जो फर्स्ट पे है अग्रणी राज्य है वो तो आपको याद 100% हो गया होगा। कोई भी आप फसल नाम लेकर देखिए दोस्तों, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर क्या, जैसे लेते हैं मूंगफली, भाई मूंगफली कब खाई जाती है भाई, कहीं गुजरात में भाई, गुजरात भाई आता पटसन भाई पटाखों, बगल वाली पश्चिम बंगाल, तिलहन में तो दलहन तो मध्य प्रदेश है, कपास भाई कब इसका क्या यूज होता भाई, रजाई वगैरह, रजाई कब ओढ़ी जाती है भाई रात में, नहीं गुजरात, जोर भाई जोर लगाओ महान बन जाओगे, महाराष्ट्र, यहाँ बात आती है दोस्तों किसकी, तंबाकू भाई खाओगे तो आंखों में इफेक्ट पड़ेगा, तो धुंधला का धुंधलापन हो जाएगा और आंख मतलब लगभग अंधे अंधे तरीके से, ठीक है आंध्र प्रदेश यहाँ से आपको याद हो जाएगा। काजू भाई सेब कैसा होता है, केरल जैसा होता है, केसर तो आपको याद, नारियल भाई नारी, नारियल नारी क्या बनाती, केला मतलब करेला, करेला से आपको नारी थोड़ा सा नारियल याद आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको कितने अच्छे तरीके से सब कुछ याद, बाजा बजाओ राजा में, राजस्थान सेकंड में, और आपको रात दिन रात में अधिकतर बजते तो आपको गुजराती याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको याद हो गया होगा, अगर पसंद वीडियो आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट भी करिएगा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।